हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज हम बनाएंगे कैबेज और चना दाल की सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में उतनी ही इजी होती है। ये रेसिपी मेरी मॉम की रेसिपी है, वो अक्सर हमारे लिए ये वाली रेसिपी बनाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेस्टी कैबेज और चना दाल की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए चना दाल 1/4 कप। इसे अच्छे से धोकर 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो तो इसे 15 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भी भिगो सकते हैं। अब चना दाल का एक्सेस वाटर निकाल दें। बारीक कटी हुई पत्ता गोभी 1/2 किलो, फाइनली चॉप टमाटो 1, जीरा 1/2 टीस्पून, हींग पिंच ऑफ, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार, रिफाइंड ऑयल 2 टेबलस्पून। सबसे पहले एक पैन में तेल को गरम कर लें। अब गैस की फ्लेम को सिम कर दें। अब इसमें जीरा, हींग डालकर स्टर कर लें। अब इसमें चना दाल डालें। और उसे 1 मिनट तक स्टर करते रहें। अब इसमें टमाटर डालकर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें पत्ता गोभी डालकर उसे अच्छे से स्टर कर लें। अब इसमें धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसका ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकने दें। बीच बीच में इसे स्टर करते रहें। अब 5 मिनट बाद ढक्कन हटा दें। उसे अच्छे से स्टर कर लें। सब्जी तैयार है। इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें। और गर्मा गर्म चपाती या पराठे के साथ सर्व करें और एंजॉय करें।